Hello everyone, welcome to Science Adhyan. Hope you are good. So in today's video we are going to discuss about the answer key of class 8 National Science Olympiad, and these questions are of level 1. So watch this video till the end. Now before starting this video, if you are new in our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you will get all important notifications of all the videos. So now start the video. So question number 11 is, read the given statements and select the correct option. Statement 1, a moving body covering displacement directly proportional to the square of time has constant acceleration. And the statement 2 is, a body moving with uniform velocity will have zero acceleration. Option number A, both statement 1 and 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option number B is, both statements 1 and 2 are true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option number C is, statement 1 is true but statement 2 is false, and option number D, both statements 1 and 2 are false. तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और चार ऑप्शन हमें दिए हैं, तो बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि एक मूविंग बॉडी क्या कर रही है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, तो टाइम के जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के, और इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है. इसके बाद जो स्टेटमेंट टू है वो क्या बोल रहा है कि एक बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है चल रही है उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा. तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या राइट आंसर निकल करके आता है. तो यहाँ पर जो है दे रखा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसे हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया. तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं s इक्वल टू के टी स्क्वायर, जहाँ पर कि s क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है और t यहाँ पर टाइम है. इसके बाद एक्सेलरेशन का यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, तो डी स्क्वायर एफ इंटू टी अपॉन डी टी स्क्वायर. तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, ये a जो है एक्सेलरेशन हमारा ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा. तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें कि जो दे रखा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो वो यहाँ पर ट्रू हो गया. इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को हम देखते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या है, टी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, तो फंक्शनल टी जो है ये के टी के इक्वल है. तो यहाँ से हम जो है वेलोसिटी निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी. इसके बाद एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं तो ये जीरो आता है. तो इस तरह से जो है स्पीड अगर कॉन्स्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी के साथ जो है पार्टिकल मूव कर रहा है तो वहाँ पर जो है एक्सेलरेशन भी जीरो होगा. तो स्टेटमेंट टू भी यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट टू है वो स्टेटमेंट वन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 इज, अ पर्सन लुक्स एट हिज फेस इन अ मिरर कैप्ट 20 सेंटीमीटर अवे एंड ही फाइंड्स दैट हिज इमेज इज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. इफ ही होल्ड्स द मिरर 100 सेंटीमीटर अवे, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज इमेज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑप्शन नंबर ए, ही सीज अ मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज. ऑप्शन नंबर बी, ही सीज अ डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज. ऑप्शन नंबर सी, ही कांट सी द इमेज बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज फॉलिंग ऑन हिज आईज आर कन्वर्जिंग. एंड डी, ही सीज अ मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज. तो यहाँ पर जो है क्या दे रखा है कि एक पर्सन जो है एक मिरर जो कि से 20 सेंटीमीटर जो है दूर है, तो उसमें ये अपने फेस को देख रहा है. तो यहाँ पर इसको जो है इरेक्ट और मैग्नीफाइड जो है यहाँ पर जो है इसको इमेज दिखने को मिल रहा है. लेकिन जब ये मिरर को कितना दूर कर देता है, 100 सेंटीमीटर अवे, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा. तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो ये इरेक्ट नहीं होगा, ये इन्वर्टेड इमेज होगा. उसके बाद क्या होगा, ये साइज में स्मॉल होगा, यानी कि डिमिनिश्ड होगा. तो ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 13, चिराग टेक्स ए बीकर एक्स फिल्ड विद वाटर एंड हीट्स इट. अ मेटल ट्रे इज प्लेस्ड ओवर बीकर एक्स एंड अनदर बीकर वाई इज पोजीशन बिलो द मेटल ट्रे एज शोन इन द गिवन फिगर. आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन सम वाटर इज कलेक्टेड इन द बीकर वाई. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स वाई द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द मेटल ट्रे डिक्रीज ओवर द टाइम. यहाँ पर क्या दे रखा है, चिराग जो है उसने क्या किया है, बीकर लिया है एक्स जिसमें कि इसने वाटर को भरा है और इसको जो है ये हीट कर रहा है. इसके बाद यहाँ पर एक ऊपर
जो है ये मेटल ट्रे को रखा गया है और इसके बाद यहाँ पर नीचे एक बीकर वाइन रखा गया है। तो यहाँ पर बताना है कि कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या होता है, वाटर जो कलेक्ट हो रहा है बीकर वाइन में, तो ये यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है जिसके के कारण जो वाटर ड्रॉपलेट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है उसका जो है रेट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ओवर द टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, तो ये जो बीकर एक्स है यहाँ जब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बंसन बर्नर के द्वारा इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ से जो स्टीम है वो ऊपर की ओर उठेगी। इसके बाद ये जो मेटल ट्रे है इसका जो टेम्परेचर है इस स्टीम से क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो है ये मेटल ट्रे का टेम्परेचर कम होने के कारण ये जो स्टीम है जब इससे टकराएगी तो यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी जिसके के कारण यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या होंगे, बीकर वाई में गिरने लगेंगे। लेकिन जब यहाँ पर कंटिन्यूसली हम जो है यहाँ पर इस बीकर को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस मेटल ट्रे का जो है क्या हो जाएगा, ये हीट जो है ये गेन करेगी जिसके की कारण यहाँ पर जो है ये जो है ये गर्म होते जाएगी और यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 इज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। कॉलम 1 दे रखा है रीडिंग ऑन रिक्टर स्केल एंड कॉलम 2 है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस दे रखा है और हमें इसे मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो इसे आप मैच कर लेंगे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ह्यूमन आई। फर्स्ट, द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 1.2 सेंटीमीटर। सेकंड, आईरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिपिल। थर्ड, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आईज अकर एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया। एंड फोर्थ इज, वाइल फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड द रेटिना इज एडजस्टेड बाय सीलियरी मसल्स। तो यहाँ पर जो है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट ह्यूमन आई। तो सबसे फर्स्ट कि यहां पर जो आई बॉल है उसका डायमीटर दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर, ये गलत है। इसका जो डायमीटर है 2.4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। सेकंड है, आईरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिपिल, ये यहां पर सही है। थर्ड है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया, तो ये भी यहां पर सही हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड ओनली जो है यहां पर सही है जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। तो यहां पर क्या है दे रखा है, रिया ने एक सेटअप किया है एक एपरेटस को क्या ऑब्जर्व करने के लिए, कॉपर के एक्सपेंशन को देखने के लिए। यहाँ पर इसने क्या किया है, जब इसने स्विच को क्लोज कर दिया है तो इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो करेक्टली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके, पॉइंटर के मूवमेंट को और यहाँ पर रॉड के मैग्नेटाइजेशन को। तो जब यहाँ पर स्विच जो है उसको क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉपर जो है वो हीट होने के बाद क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पर जो है ये कॉपर हीट जो है वो एक्सपेंड होगा, तो यहाँ पर जो है पॉइंटर किस डायरेक्शन में जाएगा, तो पॉइंटर यहाँ पर जाने वाला है राइट साइड में। और यहाँ पर जब हीटिंग होगी तो उसके बाद जो है डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ मैन शार्पन्स हिज नाइफ एज शोन इन द गिवन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन आर इन यूज। फर्स्ट, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू होल्ड ऑब्जेक्ट। सेकंड, फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। थर्ड, फ्रिक्शन कॉजेज द सर्फेस इन कॉन्टेक्ट टू वियर अवे। एंड फोर्थ, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, एक मैन जो है वो क्या कर रहा है, नाइफ को जो है वो क्या कर रहा है, शार्पन कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की कौन से जो है प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो फर्स्ट है, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में फ्रिक्शन हेल्प करता है। उसके बाद जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है वो भी एक्ट करता है। उसके बाद जो है फ्रिक्शन कॉजेज द सरफेस इन कॉन्टेक्ट टू वियर अवे, ये भी राइट स्टेटमेंट है। और यहाँ पर जो है हीट एनर्जी का भी प्रोडक्शन फ्रिक्शन के द्वारा होता है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।
Question number 18 is Vaishnavi sets up an experiment as shown in the given figure. Read the given statements and identify them as true and false ones. First, on heating for about 10 minutes, the suspended weight starts to increase. Second, the metal wire gets contracted if heating continues for another 10 minutes. Third, the suspended weight shifts toward right when the metal wire is heated. And fourth, if the metal wire is replaced with the glass rod, the rod will expand on heating. तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होने वाला है और SOF के आंसर की का हम वेट करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 19 इज द गिवन फिगर शोज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर ओवर ए फ्लावर वास मेड ऑफ आयरन. इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फील्स इन द गिवन ब्लैंक्स. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स मूव टुवर्ड्स फ्लावर वास एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स मूव टुवर्ड्स कॉपर रॉड. तो ये क्या होने वाले हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर कॉपर आयन होंगे और नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर सल्फेट आयन होंगे. तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 20 इज अ गर्ल स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स फायर्स ए पिस्टल. शी इज 580 मीटर अवे फ्रॉम वॉल आर एंड 270 मीटर अवे फ्रॉम अनदर वॉल पी एस शोन इन द गिवन फिगर. इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड एंड वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोस दैट द गर्ल कैन हियर इन 5 सेकेंड्स गिवन दैट ईच इको इज डिस्टिंग्विशेबल. तो यहाँ पर क्या दे रखा है, गर्ल है जो कि एक वॉल पी से 270 मीटर की दूरी पर है और दूसरे वॉल आर से ये कितनी दूरी पर है. तो ये क्या है, ये वॉल आर से है ये 580 मीटर की दूरी पर. तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो है इस गर्ल को 5 सेकेंड के बाद कितने ईको सुनाई देने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या आंसर निकल करके आता है. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो है टाइम का, तो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो वॉल आर के लिए सबसे पहले निकालते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी थी 580 मीटर और यहाँ पर जो स्पीड हमें पता ही है कितना है यहाँ पर 330 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर टाइम हम निकालेंगे वॉल आर के लिए जिसे हम टी आर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये निकल करके आएगा 1.76 सेकेंड. इसके बाद हम वॉल पी की बात करते हैं, तो डी है यहाँ पर 270 मीटर, तो टी पी यहाँ पर निकालेंगे तो ये निकल करके आएगा 0.82 सेकेंड. इसके बाद यहाँ पर नाउ टोटल टाइम फॉर ईच इको, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो टी डैश आर हमने माना है, तो ये हो जाएगा 2TR यानी कि 3.52 सेकंड. उसी तरह से टी डैश पी यहाँ पर आएगा 1.64 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर 0.82 है, इसका हमको यहाँ पर इको निकालना है, तो इसको इंटू 2 करेंगे. तो नाउ यहाँ पर फॉर वॉल आर नो इको इन 5 सेकंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इकोस इन 5 सेकंड्स कितने होने वाले हैं. तो यहाँ पर वॉल आर के लिए कितने हो जाएंगे, 5 अपॉन 3.52, क्योंकि वहाँ पर हमको 5 सेकंड में निकालना है, इसीलिए वॉल आर के लिए जो नंबर ऑफ इकोस हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो है 5 अपॉन 3.52, तो ये निकल करके आएगा 1. उसी तरह से फॉर वॉल पी के लिए करेंगे तो 5 अपॉन 1.64 यानी कि 3. तो टोटल नंबर ऑफ इकोस कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 3 यानी कि 4. तो ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. फर्स्ट, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर. सेकंड, अ साउंड नोट ऑफ वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर इन एयर कैन नॉट बी हर्ड बाय ए पर्सन. थर्ड, एज कंपेयर टू लाइट अ साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन द मार्स टेक्स 10^4 मोर टाइम टू रीच द अर्थ. एंड फोर्थ, टू इंक्रीज द पिच ऑफ द साउंड फ्रॉम ए वायलिन स्ट्रिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग शुड बी डिक्रीज्ड. तो यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें इनकरेक्ट बताना है. फर्स्ट है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन एयर, ये बात सही है. साउंड जो है वो वाटर में जो है एयर के कंपेरिजन में ज़्यादा तेज जो है ट्रेवल करती है. सेकंड है, साउंड नोट ऑफ वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर इन एयर कांट बी हर्ड बाय ए पर्सन. ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ पर दी गई है वो क्या होती है, वो ऑडिबल होती है. तो ये सेकेंड जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये है जो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड दे रखा है, एज कंपेयर टू लाइट अ साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन द मार्स टेक्स 10^4 तो एग्जैक्ट ये टाइम नहीं होता है यहाँ पर 10^4, तो ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो फोर्थ दे रखा है, टू इंक्रीज द पिच ऑफ साउंड फ्रॉम ए वायलिन स्ट्रिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी डिक्रीज. तो ये बात सही है, ये जो है इसकी लेंथ को डिक्रीज किया जाता है इसके पिच को इंक्रीज करने के लिए. तो इस तरह से सेकेंड और थर्ड ऑनली यहाँ पर इनकरेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है. तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी.
क्वेश्चन नंबर 22 इज अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस द इमर्जेंट रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एज शोन इन द गिवन फिगर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रे जो है वो कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ रही है जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये क्या हो रही है, इसके प्रिंसिपल फोकस से जो है ये इमर्ज हो रही है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जिसमें दे रखा है रे बेंड्स टू डाउनवर्ड एट द फर्स्ट सरफेस। तो सही बात है ये, तो जो रे है वो एयर से जब आएगी यहाँ पर तो ये क्या होगी, ये तो फर्स्ट सरफेस की ओर जो है ये बेंड करेगी, उसके बाद जो है ये सेकंड सरफेस की ओर से जो ये क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 से पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिपिक्टेड इन द गिवन फिगर नाउ मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे हैं और यहाँ पर जो है वेलोसिटी और टाइम का ये ग्राफ दे रखा है, तो हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होने वाला है, या फिर एसआईएफ के आंसर की हम यहाँ पर वेट करें। क्वेश्चन नंबर 24 इज अ बॉल इज हेल्ड ऑन ए पीस ऑफ पेपर ऑन ए टेबल द पेपर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली एंड क्विकली टुवर्ड्स लेफ्ट एज शोन इन द गिवन फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मोशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजिशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बॉल को जो है एक पेपर जो है जिस जो कि टेबल पे एक पेपर रखा है उस पर जो है एक बॉल को जो है रखा गया है। नाउ पेपर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली एंड क्विकली टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर की साइड इसको जो है पुल किया गया है, किसको, पेपर को। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो है बॉल की जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में होने वाली है। तो यहाँ पर जो है बॉल है वो किधर की ओर मूव करेगा, क्योंकि पेपर यहाँ पर जो है लेफ्ट में है तो बॉल मूव करेगा राइट में, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच पेपर इज पुल्ड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 इज रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री ऑन ए बाउंड्री सेपरेटिंग एयर एंड मीडियम पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दीज केसेस आर 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट अबाउट दीज मीडियम्स। फर्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मीडियम पी। सेकंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्यू इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द थ्री मीडिया। एंड थर्ड, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल वाइल गोइंग फ्रॉम एयर टू मीडियम पी एंड मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल वाइल गोइंग फ्रॉम एयर टू मीडियम आर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दे रखा है क्या, तो यहाँ पर जो है ये दे रखा है कि यहाँ पर जो है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो है इंसिडेंट एंगल दे रखे हैं और यहाँ पर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पर राइट आंसर जो है वो क्या निकल करके आने वाला है। तो यहाँ पर जो है हम तीनों ही उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो P के लिए है यहाँ पर ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन आई अपॉन साइन आर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो इस तरह से निकल कर के आएगा 0.70। इसके बाद जो है हम वहाँ पर Q का निकालेंगे तो ये आएगा 1.11 और यहाँ पर पी क्यू और ये आर का निकल करके आएगा 1.7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पी यहाँ पर जो ये क्यू है ये क्या है, किससे ज़्यादा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स P से। तो स्टेटमेंट जो वन है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। इसके बाद जो है सेकंड वहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा था कि Q जो है वो यहाँ पर क्या है ग्रेटेस्ट है, लेकिन यहाँ पर Q जो है वो ग्रेटेस्ट नहीं है, तो इस तरह से स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। थर्ड जो है वो स्टेटमेंट वो भी वहाँ पर सही है, तो इस तरह से ओनली यहाँ पर जो है स्टेटमेंट टू जो है वो यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट है जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 ही मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। कॉलम 1 चेयरिंग ऑफ शुगर दे रखा है हमको, क्यों दे रखा है, रिएक्शन ऑफ आयरन क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड एस, रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट। यहाँ पर कॉलम 2 में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें बताना है इनको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो चेयरिंग ऑफ शुगर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो चेयरिंग ऑफ शुगर यहाँ पर
जाकर क्या होता है, तो ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जो पी का क्या होने वाला है यहाँ पर, थर्ड होने वाला है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ आयरन क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो क्यू का क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन क्या है, ये सिंथेसिस रिएक्शन है, आर का हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो ये हमारा हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर रिएक्शन, तो एस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर। तो ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 इज, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वन, द केमिकल्स दैट आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोल आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। स्टेटमेंट टू, पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पर जो है दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द केमिकल्स दैट आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोल आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, तो ये बात सही है, इन्हें पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट टू दे रखा है, पेट्रोल इज यूज एज ए फ्यूल इन होम, तो होम में जो है पेट्रोल को फ्यूल की तरह से यूज नहीं किया जाता है, एंड इन इंडस्ट्री जो कि किसके फॉर्म में दे रखा है, एलपीजी। तो यहाँ पर जो है ये गैस का मिक्सचर होता है, ब्यूटेन प्रोपेन का, ना कि ये पेट्रोल होता है। तो स्टेटमेंट टू जो यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 इज, कनिका परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग फ्यू सॉल्यूशंस एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द एक्सपेरिमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है कनिका ने क्या कर रखा है, एक एक्सपेरिमेंट को जो है उसने परफॉर्म किया है, जिसमें कि उसने जो है कुछ सॉल्यूशन में जो है बाय टेकिंग फ्यू सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर और एक सॉल्यूशन यहाँ पर लिया गया है, तो हमें बताना है यहाँ पर जो है पी क्यू और आर यहाँ पर क्या होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज की जो ड्रॉप्स है यहाँ पर डाली गई हैं, तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, रेड सॉल्यूशन। तो ये कब होता है यहाँ पर, जबकि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। इसके बाद जो है एड एक्सएक्स ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये येलो सॉल्यूशन होता है। तो येलो सॉल्यूशन कब होगा मिथाइल ऑरेंज का, जब ये जो है इसमें बेस हम मिलाएंगे, तो यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, ये बेस होएगा। इसके बाद जो है जब ये सॉल्यूशन यहाँ पर जो है बेसिक हो जाएगा, तो इसमें चाइना रोज को जब हम ऐड करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्रीन सॉल्यूशन में। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 इज, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स इन दीज स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, कार्बन पार्टिकल्स ऑफ वैक्स बर्न कम्प्लीटली टू फॉर्म वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फर्स्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो कार्बन पार्टिकल्स जो है कम्प्लीटली बर्न होते हैं टू फॉर्म वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैंडल फ्लेम का कौन सा जोन होता है, ये होता है आउटर मोस्ट जोन। इसके बाद सेकंड है, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ, तो बायोगैस किसके मिक्सचर होती है, तो ये मिक्सचर होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की, जबकि प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से इसमें क्या फील होगा, तो सेकंड में आएगा मीथेन और थर्ड में आएगा नाइट्रोजन। इसके बाद जो है, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे, तो आगे क्या दे रखा है हमारा, तो यहाँ दे रखा है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी क्या होती है, ये किससे ज़्यादा होती है, केरोसिन से, तो यहाँ होगा ग्रेटर, वाइल द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज, तो ये होगा लेसर देन दैट ऑफ केरोसिन। तो ये हमारा किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड फॉल्स वंस। फर्स्ट, द क्रूड ऑयल पम्प्ड आउट फ्रॉम ए वेल इज ब्लैक लिक्विड, हेंस इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। सेकंड, पेट्रोलियम कंटेंस डिफरेंट फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड, पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन ए फ्रैक्शनेटिंग टार्ट। फोर, ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम द फ्रैक्शन विद लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेस एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग टावर। तो हमें यहाँ पर बताना है ये चार स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा यहाँ पर फॉल्स है। फर्स्ट है, द क्रूड ऑयल पम्प्ड आउट फ्रॉम ए वेल इज ब्लैक लिक्विड, हेंस इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा, पेट्रोलियम जो होती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। तो फर्स्ट यहाँ पर फॉल्स है। सेकंड है, पेट्रोलियम कंटेंस डिफरेंट फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात यहाँ पर सही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम पेट्रोलियम का करते हैं, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट फ्रैक्शंस देखने को हमें मिलते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, तो ये ट्रू
टू हो गया। थर्ड है पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन ए फ्रैक्शनेटिंग टार, ये भी यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये सही है। फोर है ड्यूरिंग रिफाइनिंग द पेट्रोलियम द फ्रैक्शन विद लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेस एट द बॉटम, ये गलत है, ये जो है टॉप पर होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोवेस्ट होते हैं, तो इस तरह से ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो 30 का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 इज द पीएच वैल्यू ऑफ यू सब्सटेंसेस आर लिस्टेड एज पी 8.6, क्यू 9.8, आर 13.2, एस 2.5, टी 5.6। बेस्ड ऑन द गिवन डेटा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ जो है, यहाँ पर पी से लेकर टी तक जो है ये कुछ जो है ये सब्सटेंस के पीएच वैल्यू दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे यहाँ पर जो है करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी जिसमें कि दे रखा है थर्ड एंड फोर ओनली। देखते हैं क्या है यहाँ पर, तो दे रखा है सब्सटेंस पी क्यू एंड आर आर बेसिक इन नेचर, तो जिनका भी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है वो बेसिक है। तो पी का कितना है 8.6, ये बेसिक होगा, क्यू भी यहाँ पर 9.8 है और आर भी, तो तीनों ही यहाँ पर बेसिक होंगे इन नेचर। वाइल सब्सटेंस एस एंड टी आर एसिडिक इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। उसके बाद फोर्थ क्या दे रखा है, सब्सटेंस टी चेंज ब्लू लिटमस रेड, तो ये बात यहाँ पर सही है क्योंकि जो एसिडिक होते हैं एसिड होते हैं वो क्या करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि जो सब्सटेंस पी है जो कि बेसिक है वो क्या करेगा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ ओनली करेक्ट है जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो फर्स्ट का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 इज स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट एंड आइडेंटिफाई 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट है यहाँ पर ए फॉसिल फ्यूल है जिसको कि हीट किया गया है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ से फर्स्ट से सेकंड हम जाते हैं यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो फॉसिल फ्यूल क्या है यहाँ पर, तो ये है हमारा यहाँ पर कोल, तो इसका जो है यहाँ पर जो है यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कौन होते हैं यहाँ पर, ये कोक होता है। उसके बाद जो है थर्ड एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, तो कोल गैस जो है एक इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ की जाती है और जो है कोल तार जो है वो ट्रेडिशनली यूज्ड होता है फॉर मेटेलिंग ऑफ रोड्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। फर्स्ट बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन व्हाइल बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो कंबशन। सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर फायर्स कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किटिंग। थर्ड द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस। फोर्थ इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम द वैक्स वेपर्स डू नॉट बर्न कंप्लीटली ड्यू टू द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट है बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये इनकरेक्ट है, ये क्या है रैपिड कंबशन होता है। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किटिंग, तो सही बात है, यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किटिंग के कारण जो फायर जो कॉज होती है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सटिंग्विशर का काम करता है, सेकंड सही है। यहाँ पर थर्ड है द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये गलत है, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड नहीं, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट होना चाहिए, तो थर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है। फोर है इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम द वैक्स वेपर्स डू नॉट बर्न, ये भी गलत है, यहाँ पर जो वैक्स वेपर्स होते हैं वो कंप्लीटली बर्नड होते हैं। तो इस तरह से सेकंड ओनली यहाँ पर करेक्ट है जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 इज आइडेंटिफाई द मैथ थर्ड ऑफ इरीगेशन शोन इन द गिवन फिगर एक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। ए इट इज बेस्ड ऑन पम्प्स, बी दिस मेथड ऑफ माइक्रो इरीगेशन इज यूज टू डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ इच प्लांट, सी इट इज ए मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है हमें क्या बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो यहाँ पर है, तो सबसे पहले ये कौन सा मेथड है, तो ये है यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन का मेथड। तो ये जो है मेथड जो है वो माइक्रो इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है टू डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ ईच प्लांट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 इज रेफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म पी एंड क्यू एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम। पी इट इज अ मल्टी सेलुलर सेप्रोफेटिक ऑर्गेनिज्म विच कैन बी यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स। क्यू इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज न्यूमोनिया। तो क्या होगा यहाँ पर, तो फर्स्ट यहाँ पर होने वाला है पेनिसिलियम जो कि मल्टी सेलुलर होता है सेप्रोफेटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो और इसका एंटीबायोटिक बनाने में यूज किया जाता है। क्यू है ये क्या है यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है
है और यहाँ पर जो है ये न्यूमोनिया जो है उसको जो है ये काउस इसका होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ए रेनिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इंटू पेप्टोन्स, बी बाइल एक्टिवेट्स लाइपेज, सी पेनक्रियाटिक चेंज स्टार्च इंटू माल्टोस एंड डी क्या है लाइपेज चेंज फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर ए है जिसमें कि दे रखा है रेनिन जो कि दे रखा है यहाँ पर ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू पेप्टोन्स। तो ये किसका काम होता है, ये काम होता है पेप्सिन का ना कि रेनिन का। तो यही इनकरेक्ट मैच है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 इज ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप P2R कंटेन्स इन ऑड नंबर मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ग्रुप बी यहाँ पर क्या है, पिजन स्नेक रोहो ह्यूमन बींग। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है ये जो है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द ऑड मेंबर। तो ऑड वन आउट हमें निकालना है। तो पिजन यहाँ पर स्नेक और यहाँ पर ह्यूमन बींग इनमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जबकि यहाँ पर रोहू क्या है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये यहाँ पर जो है वो ऑड हो गया। ग्रुप क्यू में है क्रोकोडाइल बैट कैटन फ्रॉग। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉग, उसी तरह यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर कतला। तो ये किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। फर्स्ट सेप्टिक टैंक इज एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवे। सेकंड कॉमन डिसइंफेक्टेंट लाइक क्लोरीन यूज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। थर्ड हर्बीवोर्स कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन एंड फोर्थ द डिकम्पोजर्स ऑपरेट एट ऑल लेवल्स ऑफ ए फूड चेन। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट दे रखा है सेप्टिक टैंक इज एन इकोनॉमिकल मेथड पार्शियल। तो ये बात सही है, यहाँ पर ये क्या है इकोनॉमिकल मेथड होता है सीवेज के पार्शियल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जो है यहाँ पर हमें जो है बताना है इनकरेक्ट, लेकिन ये यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। सेकंड है कॉमन डिसइंफेक्टेंट लाइक क्लोरीन इज यूज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ये सही है यहाँ पर। थर्ड दे रखा है हर्बीवोर्स कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये गलत है। ये प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो है वो जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंडर में आते हैं इन अ फूड चेन। फोर्थ है डिकम्पोजर्स ऑपरेट एट ऑल लेवल्स, ये भी गलत है। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो फोर्थ लेवल पर हो सकते हैं चेन के। तो यहां पर जो है हमारा फोर्थ गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया। इसके बाद यहां पर जो है एक हमें और देखना होगा यहां पर, तो ये शायद फर्स्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का जो है डाउटफुल है, इस क्वेश्चन का आंसर SOF के आंसर की का हम यहां पर वेट करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो डी दे रहा है या फिर क्या। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज प्लांटिंग ऑफ क्रॉप एक्स इन ए फील्ड रिप्लेनिशेस नाइट्रोजन इन टू द फील्ड। विच ऑफ द फॉलोविंग कुड बी क्रॉप एक्स। ऑप्शन नंबर ए पी, बी कॉलीफ्लावर, सी वीट, डी पोटेटो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि प्लांटिंग ऑफ क्रॉप एक्स इन ए फील्ड, तो वहाँ पर जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्रॉप क्या होगा। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन। तो ये क्या होगा यहाँ पर पी होने वाला है लेग्यूमिनस प्लांट यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है 41 to 50 उनके आंसर कीज आप लोग को, मतलब कि टोटल 11 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन के जो आंसर कीज हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसीलिए जो है वीडियो में जो है 40 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आई होप आप लोगों के सारे जो है क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हुए होंगे, आप लोगों के डाउट भी क्लियर होंगे। तो अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर टेलीग्राम पर भी आकर हम लोगों से जो है वो डायरेक्ट आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स में जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।